आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट बेसिक्स लॉज इन इक्विलिब्रियम, जो हमारा चैप्टर है वो इस लॉ के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है। तो यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव वाइल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। इट्स वेरी इजी। बेसिकली इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट सब आपके माइंड में जो है वो क्लियर है कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसके ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है। कमिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, इन 1864 सी एम गोल्डबर्ग एंड पी वेज वॉज द टू साइंटिस्ट जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को जो है वो प्रपोज किया, एंड इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉज इन केमिस्ट्री। अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? ये लॉ ये कहता है कि द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? वो ये कह रहा है कि कोई भी रिएक्शन जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका जो रेट होगा, रेट का मतलब है कि वो किस स्पीड से मूव करेगा, वो रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा उनके एक्टिव मैसेज की प्रोडक्ट के कुल। प्रोडक्ट का मतलब है अगर मैं कहता हूँ ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, तो ए जब बी से मल्टीप्लाई होगी और जेड एक नई टर्म आएगी तो मैं कहूँगा जेड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। दिस इज़ अ वेरी बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट है कि हम मल्टीप्लाई हुई चीज़ों को प्रोडक्ट कहते हैं। तो जब भी आप रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस रिएक्शन का रेट। दिस इज़ वॉट लॉ ऑफ मास एक्शन सेज। इसको फिर से समझें, द रेट, रेट का मतलब है कि जिस स्पीड पे आपका रिएक्शन जो है वो मूव कर रहा है। वो कह रहा है जी द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर ए और बी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है तो ए के बढ़ाने से बी बढ़े और ए के कम करने से बी कम हो तो हम कहेंगे इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज। नाउ व्हाट इज द एक्टिव मैसेज? एक्टिव मैसेज बेसिकली आर द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम इसकी फर्दर डिटेल में और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में जाते हैं। अभी यहाँ पर हम एक्टिव मैसेज की बात कर रहे थे। एक्टिव मैसेज आर बेसिकली द कंसंट्रेशंस, दे आर द कंसंट्रेशन ऑफ दी सब्सटेंसेस। एंड कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि उनकी हमने कंसंट्रेशन के बेसिकली यूनिट्स होते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, कि एक डेसीमीटर क्यूब में किसी चीज़ के कितने मोल्स जो से हैं वो मौजूद हैं। और जो हम पिछले टॉपिक में पढ़ के आए थे कि अगर ए की मुझे कंसंट्रेशन लिखनी है तो आई विल राइट इट लाइक दिस इन दी स्क्वेयर ब्रैकेट्स। तो दिस इज़ वट वी मीन बाई एक्टिव मैसेज। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन की जो है मैथमेटिकल फॉर्म उसको डिराइव करने की तरफ जा रहे हैं। तो हम सपोज करते हैं कि वी हैव अ केमिकल रिएक्शन इन विच ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स एंड दे आर इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड प्रोड्यूसिंग सी प्लस डी।
अब हमारे पास क्या है कि अगर मैं इनकी कंसंट्रेशंस लिखना चाहूँ या इनके एक्टिव मैसेज लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होंगे कि उनकी कंसंट्रेशंस को मैं जो है वो मेंशन करूँगा, और इन सब के यूनिट्स होंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब बेसिकली इस पूरे रिएक्शन के अंदर ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन हो रहे हैं। वन इज द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड अदर इज द बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे और फिर हम बैकवर्ड रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के देखेंगे कि हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनती है। ए प्लस बी दे आर मेकिंग सी प्लस डी। तो पहले केस में जो कि हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी मिल रहे हैं और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है। तो ए और बी आर द रिएक्टेंट्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता था कि रेट जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट करूँगा, अभी हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इट इज़ आर एफ। लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज है, तो मैंने उसको उसकी कंसंट्रेशन की टर्म्स में जो है वो लिख दिया है। अब आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को हम ख़त्म करते हैं और इक्वालिटी लेकर आते हैं तो हमें एक आधा कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। दिस इज़ द टिपिकल मैथमेटिक्स, और ये हम पीछे भी कई दफ़ा पढ़ के आए हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे इक्वालिटी के साथ, वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हमारे पास जो है जो कांस्टेंट आएगा इस फॉरवर्ड रिएक्शन का वो के एफ होगा। हम उसको के एफ जो है वो साथ लिखेंगे एंड ये हमारे पास एक शक्ल जो है वो बन जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर वन का नाम दे रहा हूँ। दिस आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी टाइप की तरफ जो कि है हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, सी और डी टूट रहे हैं ए और बी में। तो बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स कौन से होंगे, सी एंड डी। अब जो आपके पास रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट मैं लिखूंगा बैकवर्ड रिएक्शन का या रिवर्स रिएक्शन का, तो इसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। स्मॉल आर इज़ फॉर रिवर्स, जो उल्टा है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट, जो कि इस केस में क्या है, सी और डी है। और जब मैं इसको जो है चेंज करूँगा इक्वेलिटी के साथ, तो यहाँ पर जो है ये आपके पास आएगा के आर, क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसको जब मैंने इक्वेट किया तो मेरे पास वैल्यू आई के आर इंटू एक्टिव मैसेज ऑफ सी एंड डी। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर टू। ये दो इक्वेशन जोन सी हैं वो मेरे पास आ गई हैं। अब हम चलते हैं अपने पिछले टॉपिक की बात पर कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी। एट इक्विलिब्रियम हमने बात पढ़ी थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू दी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही हमने कंडीशन पढ़ी थी ना, कि जितना रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर
उतना ही सेम रेट के ऊपर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो इस कंडीशन को जब मैं अपने इस केस के ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये होगा कि आर एफ जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन का वो बराबर है आर आर के रिवर्स डायरेक्शन के। इनकी जब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से वैल्यूज़ पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा के एफ इंटू ए एंड बी विच इज इक्वल टू दी के आर इंटू सी एंड डी। इसको अगर मैं अब रीअरेंज करूँ या क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय ए एंड बी। अब आपने यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवानी है जो कि आपके सारे चैप्टर में इस्तेमाल होनी है, जिसको हम कहते हैं के सी, जो के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी इज इक्वल टू दी के एफ ओवर के आर, ये जो हमारी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज इक्वल टू द के सी। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन बनने जा रही है दैट इज के सी इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय ए एंड बी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन वेयर के सी इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट इज द रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट्स, रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट्स। अब आपके पास जो है वो के सी की वैल्यू जोन सी है वो बेसिकली क्या थी, तो के सी इज इक्वल टू, ये बेसिकली रेशियो है किसकी, रेट कांस्टेंट ऑफ, ये जो हमने के आर एंड के एफ फाइंड आउट किए थे, स्मॉल के आर और स्मॉल के एफ, दे आर बेसिकली कांस्टेंट्स ना, और कांस्टेंट्स कौन से, रेट कांस्टेंट्स, क्योंकि हम रेट की बात कर रहे थे, क्योंकि हमने कहा था रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस, और जब हमने इसको इक्वेट किया था तो फिर हमने के, तो बेसिकली ये रेट इक्वेशन थी, तो कांस्टेंट्स भी कौन से होंगे, रेट कांस्टेंट्स। तो के सी जो है इक्विलिब्रियम, ये जो है ये रेशियो है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड स्टेप की टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड स्टेप। तो ये आपके पास जो है केसी निकालने का तरीका है। केसी निकालने का एक और तरीका ये भी है कि केसी इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस, अगर मैंने यूं लिखा है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय दी कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ के सी। तो के सी के ऊपर जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा पूरा चैप्टर जो है वो चलेगा। आगे चलें तो एक और हम जनरलाइज फॉर्म ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो रिएक्शन लिया था वो था ए प्लस बी विच फॉर्म सी प्लस डी, लेकिन असल में ऐसा तो नहीं होता। अगर मैं असल में फॉर एग्जांपल वाटर का रिएक्शन लिखता हूँ तो इट इज़ 2H2+O2 फॉर्म्स 2H2O, और अगर मैं इसको इस शक्ल में लिखूँ तो ये होगा 2A+B फॉर्म्स 2C। तो अब इन हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं नंबर ऑफ मोल्स की। तो हम एक जनरलाइज नया एक रिएक्शन लिखते हैं और फिर देखते हैं कि इस केस में हम के सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारा हर रिएक्शन जो है वन वन मोलर वाला तो नहीं होगा, कुछ इस तरह के रिएक्शन होते हैं और तकरीबन सब में बैलेंस करने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। तो हम एक जनरल जो है वो लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कुछ रिएक्शन हो समथिंग लाइक दिस, के कैपिटल ए के साथ मैं स्मॉल ए लिख रहा हूँ, स्मॉल ए शोज़ द नंबर ऑफ मोल्स और कैपिटल ए तो वो क्वांटिटी है वो सब्सटेंस है, प्लस बी बी के फॉरवर्ड एंड के रिवर्स एंड स्मॉल सी इंटू सी प्लस स्मॉल डी इंटू डी। तो दिस इज द इक्वेशन
जो कि हमने जनरलाइज फॉर्म ली है, जिनके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर्स साथ अटैच्ड होते हैं, ए बी सी एंड डी आर द कोएफिशिएंट्स जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें नज़र आते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि N2 + H2 दे फॉर्म्स 2NH3, तो ये जो 3 और 2 है, दीज आर बेसिकली द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इनकी जब हम फाइनल इक्वेशन लिखते हैं Kc की, तो वो आती है कुछ इस तरह। पहले तो हमारे पास इनकी कंसंट्रेशंस थी ना, लाइक दिस। तो जब आपके पास साथ में ये मौजूद होंगे, तो फिर जो ये हैं, ये हमारे पास उन कंसंट्रेशंस की पावर में आ जाएंगे। आप इनको इस तरह लिखेंगे, इन दी पावर ऑफ दोज कंसंट्रेशंस, जो आपका कोएफिशिएंट है वो किस में आ जाएगा, वो पावर में आ जाएगा। इट विल अपीयर एज एक्सपोनेंट्स। ये जो पावर में आने वाली चीज़ होती है उसको हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो ये एक्सपोनेंट्स की टर्म्स में जो है, केसी के एक्सप्रेशन में, केसी की इक्वेशन में, दे विल अपीयर इन दी एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ तक हमारे पास जो चैप्टर का टॉपिक हमने कवर किया आज, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसको मैं अब यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ। वो ये कहता है जी कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स के। अगर ए प्लस बी रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहे हैं और सी प्लस डी बना रहे हैं, तो इनका जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स के। और जब ये बैकवर्ड में आएगा तो रिवर्स रिएक्शन का हो जाएगा उनके रिएक्टेंट्स के साथ। इन सारों को जब हमने कंपेयर किया इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इक्वेट किया, और हमारे पास जनरल टर्म बनी के सी इज़ इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई ए एंड बी। तो दिस इज़ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो कि हमने आज के टॉपिक में डिफाइन किया। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस बिफोर वी गो इन टू दी फर्दर डिटेल्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम इस के सी की जो डिफरेंट एक्सप्रेशन हमने देखे, जो कि दूसरा एक्सप्रेशन ये वाला था, इस केस के अंदर हम इसके फिर यूनिट्स जो है नेक्स्ट टाइम हम डिफाइन करेंगे और एक एग्जांपल की मदद से उसको स्टडी करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट द के सी इज़, जिसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर जो है वो डिपेंड करेगा। तो आपका इसका कॉन्सेप्ट आई होप के बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा।